हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे हैप्पी फॉरएवर। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ नेल केयर टिप्स, जिसको फॉलो करने के बाद में आपके नेल्स पहले से ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे और साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरीके का नेल केयर करने से पहले आपको अपने नेल पॉलिश को रिमूव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई है। देन हम अपने नेल्स को फाइल कर लेंगे। वीक में 2 times एटलीस्ट आपको अपने नेल्स को फाइल कर लेना चाहिए, इससे आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देन उसके बाद में हम अपने क्यूटिकल्स को पीछे पुश करेंगे। ये जो स्किन होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाती है और आपके नेल्स पे चिपक जाती है, तो इससे भी नेल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं एक स्पून की हेल्प से अपने क्यूटिकल्स को पीछे पुश कर दूँगी। आप कोई भी ब्लंट टूल यूज़ कर सकते हो, बस ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। सो हमारे नेल्स रेडी हैं। सबसे पहले आपको एक बोल लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे ल्यूकवॉर्म वाटर, गुनगुना पानी और थोड़ा सा सॉल्ट, एंड देन उसको हमें अच्छे से स्टर कर लेना है। एंड हमें अपने नेल्स को इसमें सोक करके रखना है 10 minutes तक। रिमेंबर, हमें सिर्फ ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है, हॉट वाटर नहीं लेना है। हम एक तरीके का स्पा दे रहे हैं अपने नेल्स को और प्रेप कर रहे हैं कि आगे हम कोई भी नेल केयर करें तो हमारे नेल्स उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। साथ ही साथ में अगर आपका कोई भी बैक्टीरिया है तो वो भी किल हो जाएगा इस प्रोसेस को करने के बाद में। इंस्टेंटली आप देखेंगे आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं। सो मैं आपको 2 remedies बताऊंगी और आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा गार्लिक, सिर्फ 1 clove की ज़रूरत होगी, जिसको आपको पील कर लेना है और आपको बीच से स्लिट कर लेना है। देन उसके बाद में हम इसको अपने नेल्स पे रब करना स्टार्ट करेंगे। गार्लिक में होता है सेलेनियम, जो आपकी नेल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एंड ये आपकी नेल की ग्रोथ को बूस्ट करता है। सो आपको इंडिविजुअली हर नेल पे इसको अच्छे से रब कर लेना है, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। एंड आप देखो कि इंस्टेंटली इसको रब करने के बाद में आपके नेल्स ट्रांसपेरेंट और काफ़ी क्लियर नज़र आएंगे। कुछ लोगों को गार्लिक यूज़ करने के बाद में फिंगर्स में सेंसेशन होता है, तो वो ये वाला मेथड यूज़ ना करके सेकंड मेथड भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू जस्ट रब द गार्लिक पीस ऑल ओवर माई नेल्स। देन उसके बाद में मैं गार्लिक के पीस को अपने नेल्स में इनर साइड पे भी लगा रही हूँ, ताकि मेरे नेल्स अंदर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी दिखें। सो आपको भी जैसा मैं वीडियो में शो कर रही हूँ वैसे कर लेना है। गार्लिक एक तरीके का हार्डनर होता है, इससे आपके नेल्स हार्ड भी होते हैं। बहुत लोग के नेल्स क्रैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। गार्लिक यूज़ करने के बाद में आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो जाएंगे। सो हम 5 minutes के लिए अपने फिंगर्स पे गार्लिक को अच्छे से रब कर लेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मसाज करने के बाद में आपको इसको एटलीस्ट 30 minutes के लिए अप्लाई करके छोड़ देना है। देन नेक्स्ट स्टेप है, आपको चाहिए होगा एक लेमन और उसका हम बस छोटा सा स्लाइस कट कर लेंगे। देन इसको आपको अपने नेल्स पे अच्छे तरीके से रब करना है। लेमन आपकी नेल्स को ब्राइट करता है, किसी भी तरीके का स्टेन्स होता है तो उसको रिमूव कर देता है, कोई पैचेस हो जाते हैं तो उसको रिमूव कर देता है। बहुत ही रिच होता है विटामिन सी में, आपकी नेल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है एंड वो ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो इसको आपको 5 minutes के लिए रब कर लेना है एंड इसको आपको फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes अपने नेल्स पे लगे रहने देना है। देन उसके बाद में आपको लेना है ल्यूकवॉर्म वाटर और अपने नेल्स को अगेन उसमें अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि अगर कोई भी गार्लिक की स्मेल रह गई होगी तो वो चली जाएगी। सो इस तरीके से आप 2-3 minutes के लिए डिप करें और इससे आपके नेल्स साफ़ हो जाएंगे। आप इंस्टेंटली नोटिस करेंगे कि आपके नेल्स पहले से ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं। लास्टली हम करेंगे अपने नेल्स को मॉइस्चराइज, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल का, एंड इसको सिर्फ ना ही अपने नेल्स पे बट हम अपने क्यूटिकल्स पे भी अप्लाई कर लेंगे। इसको एटलीस्ट 5 minutes के लिए हम मसाज करेंगे एंड देन इसको आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड को आप एटलीस्ट 3 times in a week कर सकते हैं।
कोकोनट ऑयल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आपके क्रैक नेल्स को इम्प्रूव करता है, कोई भी हैंग नेल्स है उसको भी इम्प्रूव करता है, अगर किसी तरीके का फंगस है उसको भी हटाता है एंड आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, सो लेट्स सी सेकेंड मेथड। इसके लिए चाहिए होगा आपको एक बोल एंड उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। देन हम उसमें ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के एंड आपको हल्का सा गरम ऑयल लेना है। एंड देन उसके बाद में हम अपने नेल्स को इसमें डिप करके रखेंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। ये मेथड आप तब कर सकते हैं जब आप सपोज़ टीवी देख रहे हैं या आप चैटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आप कर सकते हैं। आप इस मेथड को बिफोर बेड टाइम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 मिनट्स रखने के बाद में आपको 5 मिनट तक के लिए अपने नेल्स को मसाज कर लेना है एंड मॉर्निंग में वॉश कर लेना है। अगर आप इतनी देर तक ऑयल अपने नेल्स पे नहीं रख सकते हैं तो आप इसको 30 मिनट्स के बाद भी वॉश कर सकते हैं। आपको अच्छे से प्रेस करके मसाज करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाए। लास्टली हम बनाएंगे नेल सीरम जो कि आपको रोज़ लगाना है बिफोर बेड टाइम। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा विटामिन ई कैप्सूल। ये ईवियन का कैप्सूल है, किसी भी फार्मेसी पे इजी से मिल जाता है। देन इसका हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड इसमें हम डालेंगे कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के। एंड देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड बिफोर बेड टाइम हम इसको अपने नेल्स पे अप्लाई करेंगे। इसको अच्छे से 5 to 6 मिनट्स आपको अप्लाई करना है, मसाज करना है क्यूटिकल्स एंड नेल्स पे एंड इसको ओवरनाइट आपको लीव कर देना है। विटामिन ई ऑयल में बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स होते हैं, ड्राई स्किन को प्रिवेंट करता है एंड इससे हेल्दी क्यूटिकल्स भी होते हैं। आपके कोई डैमेज नेल्स हो गए हैं किसी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से तो उसको भी ये रिमूव कर देता है। सो ये सीरम आपको रोज़ अप्लाई करना है बिफोर बेड एंड ओवरनाइट इसको छोड़ देना है एंड मॉर्निंग में आप नॉर्मल वाटर से अपने हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। इन रेमेडीज़ को फॉलो करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेक श्योर आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि ये रेमेडीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। सो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का एंड फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।